मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आओग। हुड़ हुड़ दबंग 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 या फिर दगाबाज रे तोहरे नैना बड़े दगाबाज रे, इन गीतों का जब भी जिक्र होता है या गीत जब भी सुनाई देते हैं तो जहन में जो तस्वीर उभरती है वो सलमान खान की है। जाहिर है हम लोगों की स्टार्स के प्रति दीवानगी ज़्यादा है, लेकिन जो संगीतकार होते हैं, जो ये गीत रचते हैं, उनकी बात कम ही की जाती है। आज संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान नहीं रहे, आज सुबह उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये कोरोना वायरस से बॉलीवुड में हुई पहली मौत है। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे वाजिद खान, लेकिन अभी उम्र ज्यादा नहीं थी, महज 42 साल के थे। लगता था कि इस बीमारी से लड़ लेंगे, वापस आएंगे, फिर कुछ यादगार गीत रचेंगे, लेकिन इस महामारी ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। उनके बहुत से चाहने वाले उनके जनाजे में शामिल होना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है, इसलिए उनका छोटा सा जनाजा था आज, जो सुबह तड़के मुंबई के वर्सोवा के उसी कब्रिस्तान पहुंचा जहां बस एक महीने पहले ही 29 अप्रैल को इरफान खान को दफन किया गया था। वाजिद की कब्र इरफान की कब्र के बिल्कुल करीब बनाई गई। यूं तो मौत सबको आनी है एक दिन, लेकिन कोरोना काल में जो देश का हाल है, आपने गौर किया, एक डेढ़ महीने तक जो मौतों की गिनती आती थी अखबारों में या टीवी चैनल्स पर, आपको लगता था हाँ कोरोना से कहीं लोग मर रहे हैं, लेकिन अब करीब आता महसूस हो रहा है आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या फिर ऐसे मशहूर लोग जिन्हें आप प्रोफेशनली उनके काम की वजह से जानते हैं, जैसे कि वाजिद खान। ऐसे लोगों की मौत की खबरें आने लगी हैं। अपने भाई साजिद के साथ बहुत से सपने लेकर बॉलीवुड में उतरे थे संगीत देने, बहुत से सपने पूरे भी किए, अच्छा संगीत दिया कई फिल्मों में, बहुत कामयाब हुआ, उस संगीत की वजह से फिल्में सुपरहिट रहीं, लेकिन बहुत से सपने अधूरे भी रह गए। अभी ना जाने कितने यादगार गीत रचने थे उनको। संगीत खून में था उनके। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पैदा हुए थे। पिता उस्ताद शराफत अली खान एक जाने माने तबला वादक और एक म्यूजिक अरेंजर थे बॉलीवुड में। आरडी बर्मन समेत कई मशहूर संगीतकारों की टीम में काम कर चुके थे, यानी बचपन से ही संगीतकारों का आना जाना घर में लगा रहता था। बचपन से संगीत देखते सुनते महसूस करते आए थे। और उनके दादा अब्दुल लतीफ खान भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार और सारंगी वादक थे। खून में था संगीत। आपको याद होगा 1990s के एंड में सोनू निगम का एक बेहद कामयाब एल्बम आया था दीवाना। उसका हर एक गीत बहुत फेमस हुआ था, लाखों कैसेट्स बिके थे। उसका संगीत साजिद वाजिद ने दिया था, उनकी शुरुआत थी। और फिर 22 साल पहले सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत। उस फिल्म के सारे गाने साजिद वाजिद के नहीं थे, बस एक ही गीत में संगीत उन्होंने दिया था, लेकिन सलमान खान ने शायद टैलेंट को पहचान लिया और उसके बाद से साजिद वाजिद उनकी फेवरेट संगीतकार जोड़ी बन चुकी थी। सलमान की वॉन्टेड हो, दबंग, दबंग टू, वीर, एक था टाइगर, तुमको ना भूल पाएंगे, या मुझसे शादी करोगी, या फिर राउडी राठौर और हाउसफुल 2 जैसी सुपरहिट फिल्में, साजिद वाजिद ने अपनी कामयाबी का डंका बजा दिया था। खासतौर पर सलमान खान ने तो इस जोड़ी का साथ अंत तक नहीं छोड़ा। वाजिद रियलिटी शो सारेगामा सिंगिंग सुपरस्टार में मेंटोर भी रहे और उन्होंने टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 4 और बिग बॉस 6 के लिए टाइटल ट्रैक भी कंपोज किया था। इसके अलावा भाइयों की इस जोड़ी ने IPL 4 का थीम सॉन्ग भी तैयार किया था। यानी दखल बॉलीवुड से अलग टेलीविजन और इवेंट्स में भी बहुत था। मशहूर संगीत रचने के लिए साजिद वाजिद को बहुत से लोग याद करते थे। सलमान खान के करियर का सबसे पॉपुलर सॉन्ग, उनका सिग्नेचर सॉन्ग जो बन चुका है, हुड़ हुड़ दबंग, ये जो हुड़ हुड़ इसमें कहां से आया, इसके पीछे वाजिद खान ने एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताई थी। उनके दादा अब्दुल लतीफ खान दबंग संगीतकार थे अपने इलाके के, तो जब उनके दादाजी गुस्सा हो जाते थे तो बड़े अलग अंदाज में हुड़ हुड़ कहकर गुस्सा दिखाते थे अपना, हुड़ हुड़। तो वो साउंड वहां से उठाई और सलमान खान का सबसे कामयाब गीत रच दिया साजिद वाजिद ने। तो बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत सलमान खान की प्यार किया तो डरना से की और अंत भी सलमान खान के साथ ही किया, यानी अपने आखिरी गीत जो दोनों साजिद वाजिद ने मिलकर बनाए, भाई भाई और प्यार कोरोना, सलमान ने हाल ही में ये गीत YouTube पर रिलीज किए हैं, इनका संगीत भी साजिद और वाजिद ने मिलकर दिया था। यानी आखिर तक
सलमान के साथ जुड़े रहे। इंडस्ट्री में हर कोई शॉक्ड है, काफी यंग थे, ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि अचानक ये हादसा हो जाएगा। उनकी मुस्कुराहट, उनकी जिंदा दिली हर किसी को याद आ रही है। और एक और रेयर क्वालिटी थी कि जो नए स्ट्रगलर गीतकार या संगीतकार या सिंगर्स आते थे उनका हौसला बहुत बढ़ाते थे, उनकी मदद बहुत करते थे। ये रेयर क्वालिटी है फिल्म इंडस्ट्री में, ये रेयर क्वालिटी मानी जाती है और ये वाजिद के अंदर थी। जिसे भी उनकी मौत का पता चल रहा है उसका यही मानना है कि अभी उम्र नहीं थी जाने की। वाकई अभी उम्र नहीं थी जाने की, अभी बहुत काम करना था, बहुत यादगार संगीत रचना था। कहते हैं संगीतकार उम्र के साथ और गहरा होता जाता है, उसके संगीत में गहराई आती जाती है। लेकिन मौत ने, इस महामारी ने वाजिद से उनका ये मौका छीन लिया। अपने गीतों के जरिए वाजिद हमेशा जिंदा रहेंगे। आप भी अब जब दबंग देखिएगा या कोई और फिल्म जिसमें उनका संगीत हो तो मुस्कुराइएगा और उन्हें दुआ दीजिएगा। शायर अहमद नदीम कासमी का एक शेर है जो शायद हर कलाकार या हर रचने वाले के लिए ही लिखा गया है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। आप अपने गीतों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे वाजिद। रेस्ट इन पीस। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।